आजकल पैरालिसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है। पैरालिसिस को आयुर्वेदा में विश्वाची कहते हैं। सो वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और आज का हमारा टॉपिक है विश्वाची, जिसको मॉडर्न में रेडियो अल्नार पैल्सी कहते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विश्वाची रोग। यह एक वात व्याधि है। और दोस्तों, अगर आपको वात व्याधि का सामान्य परिचय जानना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, विश्वाची रोग को हम मॉडर्न में रेडियो अल्ना न्यूराइटिस और रेडियो अल्ना पैरालिसिस से रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें एक बार, तो इसका मतलब यह है कि रेडियस और अल्ना नर्व में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो जिस एरिया को वह सप्लाई करती है, जो कि हैंड और आर्म है, तो वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं रेडियो अल्ना न्यूराइटिस और रेडियो अल्ना पैरालिसिस। आयुर्वेद में हम इसे विश्वाची रोग से संबोधित करते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक फेमस कोट है जो माधव निदान ने लिखा है, वो इस प्रकार है, तलम प्रत्य अंगुली नाम या कंडरा बाहु पृष्ठतः भावो कर्म शय करी विश्वाची च इति स उच्यते। यह श्लोक माधव निदान के 22वें अध्याय का 57वां श्लोक है। दोस्तों, इसका जो मतलब है वो हमने राइट हैंड साइड पे समझा रखा है कि इसमें विश्वाची के सामान्य लक्षणों के बारे में बात की है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि हस्त तल की कंडरा में विकृति आती है। इसका अर्थ दोस्तों यह है कि देयर इज डिफॉर्मिटी इन मसल्स ऑफ मिडल पार्ट ऑफ द आर्म। तो जो मिडल पार्ट है आर्म का, मतलब कि बॉडी की तरफ का जो पार्ट है, उसमें विकृति आ जाती है, डिफॉर्मिटी आ जाती है उसकी मसल्स में, आर्म की मसल्स में। सेकंड है, बाहु के आकुंचन प्रसारण ग्रहण धारण आदि कर्म में विकृति हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाहु कर्म शय करी, मतलब कि जो बाहु होते हैं, मतलब कि हमारे हाथ होते हैं, उनका कर्म का क्षय हो जाता है, मतलब कि वो कर्म नहीं कर पाते, उनकी कर्मों में विकृति आ जाती है। इसको ही हम अगर मॉडर्न से रिलेट करें तो हमें पता है कि यहाँ पे रेडियो अल्ना पैरालिसिस हुआ है। तो मतलब आर्म और हैंड में जो है पैरालिसिस हो गया, तो वहां के फंक्शंस मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे। एंड इसी को हम कहते हैं डिफॉर्मिटी इन मूवमेंट्स ऑफ आर्म, जैसा कि पैरालिसिस में देखा भी जाता है। थर्ड पॉइंट है कि भावो, इस प्रकार बाहु शब्द के द्विवचन से दोनों बाहु में अथवा एक बाहु में भी हो जाया करती है। तो दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों हाथों में एक साथ रेडियो अल्ना न्यूराइटिस है, रेडियो अल्ना पैरालिसिस होगा, विश्वाची रोग होगा। और इसी को समझाने के लिए यहाँ पे बाहु ना बोल के भावो किया है, मतलब कि भावो का अर्थ है एक भी हो सकता है और दोनों बाहु में भी ये हो सकती है विकृति। दोस्तों, ये थे विश्वाची के सामान्य लक्षण। अब हम देखते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कि विश्वाची आखिर होती क्यों है, इसके निदान क्या हैं। सो पहला है, वात व्याधि के सामान्य निदान ही विश्वाची के भी निदान होते हैं। दोस्तों, क्योंकि विश्वाची एक वात व्याधि है, तो वात व्याधि के निदान विश्वाची के भी निदान होते हैं। अगर आपको वात व्याधि के निदान देखना है तो आप वात व्याधि के वीडियो में देख सकते हैं। सेकेंड है, हाथ पर अत्यधिक भार पड़ना, मतलब कि अगर हमारे हाथों पर बहुत ज्यादा एकदम से वजन आ जाए, कुछ गिर जाए एकदम से बहुत भारी, तो ये रोग हो सकता है, विश्वाची रोग हो सकता है। एंड थर्ड इज अत्यधिक वजन उठाना। इसका मतलब है कि अगर हम बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो उससे भी विश्वाची रोग के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह भी एक निदान है, कारण है विश्वाची रोग होने का। तो दोस्तों, यह था विश्वाची रोग। आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो नया डेंटल एंड आयुर्वेदा को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कॉमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलना कि आपको और कौन से चैप्टर्स पे वीडियोज़ चाहिए।